सन 2030, मुंबई, महाराष्ट्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रोहित पिछले कई घंटों से अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। अचानक लैपटॉप से कोई कोड खुल गया हो ऐसी आवाज आई और एक सेकंड के लिए रोहित की आंखें चौड़ी हो गई। वो स्तब्ध हो गया क्योंकि पिछले एक हफ्ते से रोहित प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नाम की किसी वेबसाइट पर एक रहस्यमय एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। ये एग्जामिनेशन बहुत ही विचित्र और एक्सट्रीमली हार्ड थी, जिसे हल करना बिल्कुल ही आसान नहीं था। लेकिन लगातार 7 दिन की मेहनत के बाद रोहित ने आज ये कर दिखाया था। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। खुशी के साथ रोहित बेचैन भी था। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रोहित पिछले 10 सालों से एक कंप्यूटर इंजीनियर था और किसी प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नाम की इस वेबसाइट पर 7 दिन से वो ये एग्जाम पास आउट करने की कोशिश कर रहा था और आज उसने आखिरकार इस विचित्र और रहस्यमय एग्जाम को क्रैक कर लिया था। कुछ ही देर में रोहित को एक मेल मिलता है। ईमेल में लिखा है कि आपको इस जगह पे जाना है और ईमेल में एक कोड भी दिया गया था। रोहित मन ही मन डर रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले ये लोग कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं। इसलिए वो उस जगह पर गया और मिस्टर शाह कहे जाने वाले एक शख्स से मिला। उसने ईमेल पे मिला वो कोड दिया और ये कोड देखकर मिस्टर शाह ने रोहित के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आपको आगे अमेरिका जाना है। रोहित ने पूछा कि इस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आगे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएस जाके मुझे आखिर करना क्या है। मिस्टर शाह बोले, वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन आप चिंता ना करें, आप सुरक्षित हैं और आपको वहां जाना चाहिए। क्या आपके पास वीजा है? रोहित बोला, जी हाँ, मेरे पास यूएस का B2 मल्टीपल एंट्री वीजा है। रोहित की फैमिली MP में रहती थी, इसलिए रोहित ने फोन पे बता दिया कि वो किसी काम से यूएस जा रहा है और कुछ तैयारियां करने के बाद 15 दिन में रोहित अमेरिका पहुंच गया। एयर टिकट्स और रोहित के अमेरिका का सारा खर्चा प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नाम की कंपनी के माथे था। ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश एयरपोर्ट पे उतरते ही मिस्टर शाह ने कहे अनुसार रोहित को एक कार लेने के लिए आई। रोहित उस कार में बैठ गया और ह्यूस्टन के डाउनटाउन एरिया में एक बहुमंजिला इमारत वाली आलिशान होटल में पहुंच गया। वहां जाकर ड्राइवर ने उसे उसका रूम दिखाया और कहा कि आपको 2 दिन यहां पर रहना है, तब तक आप फ्रेश हो जाओगे और जेटलैग से भी बाहर निकल जाओगे, और आपको कोई काम हो तो इस नंबर पे कॉल करना है। रोहित ने हाँ में भरी, वो नंबर लिया और वो उस रूम में अपना सामान रख के रहने लगा। 2 दिन बाद रोहित के रूम में एक व्यक्ति आया। रोहित को कहा कि सर, आपको मेरे साथ चलना है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। रोहित ने कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। कुछ 15 मिनट बाद रोहित वहां से निकला और ह्यूस्टन के नासा स्पेस सेंटर में पहुंचा। वहां पहुंचते ही विजिटिंग एरिया की बिल्डिंग के पीछे, जहां एक ग्रेवयार्ड है जहां पर नासा के अब तक के स्पेस में मरे एस्ट्रोनॉट्स की कब्रें हैं, उसके पीछे की एक खुफिया जगह में रोहित को ले जाया गया और एक छोटे से कमरे के भीतर एक डीप बंकर बनी थी। उस बंकर में रोहित एंटर हुआ। अंदर जाते ही रोहित स्तब्ध हो गया। नजारे बहुत ही आलिशान थे। ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा स्पेस सेंटर आज तक रोहित ने देखा ही नहीं था। रोहित को एक रूम में ले जाया गया और वहां उसकी मुलाकात हुई बिल थॉमस से। बिल एंथुजियास्टिकली रोहित के पास आए, हाथ आगे किया और कहा, वेलकम टू नासा रोहित। रोहित ने कहा कि लेकिन मुझे नासा क्यों लाया गया है, मैं तो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। बिल बोले, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड नासा का ही एक भाग है। रोहित को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बिल ने कहा, प्लीज कम, और उसके बाद रोहित को एक और कमरे में ले जाया गया जहां पर पहले से ही एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। लड़के का नाम था क्रिश्चियन, जो अमेरिका से ही था, और लड़की का नाम था जेनिफर, जो यूके से आई थी। बिल ने कहा, रोहित, ये क्रिश्चियन और जेनिफर है और इन दोनों ने तुम्हारी ही तरह उस एग्जाम को क्रैक किया है। हमें उम्मीद थी कि कुछ 5 लोग इस एग्जाम को क्रैक करें, लेकिन पूरे विश्व में सिर्फ तुम 3 ही हो जिसने इस एग्जाम को पास किया है। इसलिए अब नासा ने ये सोचा है कि और 2 लोगों की वेट न किए बिना आप 3 के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। रोहित ने कहा, पर वो प्रोजेक्ट क्या है? जेनिफर बोली, जी हाँ, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। बिल बोले, दोस्तों, हम आज 2030 में जी रहे हैं और हम ग्लोबल वार्मिंग का बेहद ही बुरी तरह शिकार हुए हैं।
पृथ्वी का जलवायु इतना बिगड़ चुका है कि हमारी आने वाली पीढ़ी शायद इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं रहेगी, और हमारी तीसरी पीढ़ी के लिए इस पृथ्वी पर जिंदा बच पाना 100% इम्पॉसिबल है। और हमारी पिछली पीढ़ियों ने इसके ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए। पृथ्वी के वातावरण को बिगड़ता देखते हुए भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसलिए आज हम इस हालात का सामना कर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि हम लोग बाहरी वातावरण में ज्यादातर जगह पर मास्क के बिना घूम भी नहीं सकते, और आने वाले 50 साल तो और ज्यादा खराब होने वाले हैं, और हम इसे रोक नहीं सकते हैं। प्रिकॉशन का समय अब जा चुका है, इसलिए दोस्तों नासा ने अभी सोचा है कि हम में से कुछ इंसान भूतकाल में जाए और पास्ट को कुछ हद तक बदल दे ताकि हमारा वर्तमान बदल सके। तभी क्रिश्चियन ने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, हम भूतकाल में कैसे जा सकते हैं, पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इट इज इम्पॉसिबल। तभी मिस्टर बिल बोले, हम इस टेक्नोलॉजी पे सालों से काम कर रहे हैं, और सीक्रेटली आज नासा और अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट ही ये जानते हैं कि हम लोग पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। दरअसल हम 5 लोगों को पास्ट में भेजने वाले थे, लेकिन हमें आप 3 लोग ही मिल पाए जो नासा की उस एग्जाम को क्रैक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तब रोहित ने कहा कि सर हम ही क्यों, नासा ने ये काम अपने यहाँ काम करने वाले और पुराने ट्रेंड एम्प्लॉइज को क्यों नहीं दिया। मिस्टर बिल बोले, रोहित नासा ये काम अपने एम्प्लॉइज को भी दे सकती थी, लेकिन वो लोग और मैं खुद भी हम लोग नासा के वेल ट्रेंड एम्प्लॉइज हैं, लेकिन तुम तीनों ने ये एग्जाम क्रैक करके जो कर दिखाया है वो दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी इंसान ही कर सकते थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी खुद की अपनी बुद्धि के द्वारा चुना गया है, और तुम्हें अपनी सूझबूझ से भूतकाल में जाके नासा का प्रोजेक्ट खत्म करके बस वापस आना है। ये सुनकर रोहित को मन ही मन गर्व हो रहा था। बिल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप तीनों को कुछ सीड बॉल्स दिए जाएंगे, जिसमें खास प्रकार के लेकिन बहुत ही डेडिकेट बॉल्स में कुछ दुर्लभ वनस्पतियों के सीड्स होंगे, और इन सीड्स बॉलों को आपको भूतकाल में जाके अमेजोन के जंगलों में सहरा के रन में और थर के रन में 3-3 फीट के गड्ढे करके बस रख देना है। ये बॉल की बेसिक सीड्स फ्यूचर के लिए इतनी ज्यादा वनस्पति का उत्पादन करेगी कि अब तक हमने जितने जंगल काटे हैं उससे कई ज्यादा हमें विरासत में मिलेंगे, और हमें कुछ 200-300 सालों का और एक्सटेंशन मिल जाएगा, और इस एक्सटेंशन के टाइम पीरियड में हमें हमारी पृथ्वी को सेव करने का समय मिल जाएगा। आपको एक टाइम मशीन में बैठाया जाएगा और आपको भूतकाल में 1,00,000 साल पीछे जाके इस प्रोजेक्ट को खत्म करके वापस आना है। याद रहे कि सालों की अथाग मेहनत के बाद हमारे पास ये एक ही टाइम मशीन है, और ये सिर्फ 5 लोगों के लिए ही बनी है, और आपको 30 दिन के अंदर अपना काम करके वापस आ जाना है। और दोस्तों खास बात ये कि हमने सब कुछ चेक किया है, एवरीथिंग इज लुकिंग सेफ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप तीनों पहले इंसान हो जो भूतकाल में जाओगे, इसलिए जान का खतरा तो बना ही रहेगा। अगर आप चाहो तो एक दिन सोच सकते हो और फिर अपना डिसीजन हमें बता सकते हो। बिल की ये बातें सुनकर रोहित, जेनिफर और क्रिश्चियन तीनों लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बात खत्म होते ही तीनों लोगों ने चर्चा की, इसलिए तीनों एक बात पे अग्री हुए कि वो टाइम ट्रैवल करेंगे और भूतकाल में जाके नासा का प्रोजेक्ट खत्म करके आएंगे। दूसरे दिन तीनों बिल से मिलते हैं। बिल को कहते हैं कि जी हाँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद तीनों को कुछ 1 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, और 1 महीने बाद उन तीनों के पास्ट में जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले बिल उन्हें एक खास मशवरा देते हैं कि आपको वहाँ पर जो सिखाया है वही करना है, और किसी भी स्पीसीज को या जीव को परेशान नहीं करना है, और मारना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो स्पीसीज उनके फ्यूचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंस हो, जिसके कारण हमारे वर्तमान में बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है। तीनों ने कहा जी सर ऐसा ही होगा, और वो तीनों एक टाइम मशीन के अंदर जाते हैं, और ट्रेनिंग की सीख के अनुसार जेनिफर मशीन में टाइम सेट करती है आज से पूरे 1,00,000 साल पहले का। टाइमिंग का काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और मशीन के सामने एक सफेद रोशनी छा जाती है, और कुछ ही समय बाद वो लोग भूतकाल में होते हैं। तीनों के मशीन के कांच के सामने कुछ खूबसूरत वादियां दिखाई देती है। तीनों अमेज़न के जंगल में होते हैं, और कुछ देर बाद मशीन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। कुछ विचित्र टाइप के कीटक और कुछ रेयर स्पीसीज की वनस्पति दिखती है। रोहित कहता है कि चलो अब हम जल्दी जल्दी अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं,
तब क्रिश्चियन कहता है कि यहाँ पर अमेज़न जंगल में तो ऑलरेडी ही बहुत सारी वनस्पति है, तो हमें और वनस्पति के लिए सीड्स क्यों डालने हैं। रोहित कहता है कि जो हमें काम दिया गया है, जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, बस हमें उतना काम करना है और वापस पहुंच जाना है, और कुछ नहीं। नासा वालों ने हमें यहाँ कुछ सोच के ही भेजा होगा ना। तीनों लोग तीनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और उनके साथ जो बॉल्स थे वो 3-3 फीट के गड्ढे करके उसमें लगा देते हैं। कुछ 10 दिन की मेहनत के बाद तीनों वापस अपने टाइम मशीन की ओर लौटते हैं और तीनों डेजर्ट ऑफ थर की ओर रवाना होते हैं और वहां पर भी 10 दिन देते हैं, सीड्स डालते हैं और फिर टाइम मशीन में वो अपने अंतिम पड़ाव सहरा के रन की ओर जाते हैं। कुछ ही समय बाद वो सहरा के रन में होते हैं। चारों ओर रेगिस्तान और कुछ नहीं, बस भट्टी की तरह रेत के टीले तप रहे होते हैं। पिछले 20 दिन में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। दुनिया के 2 बड़े हिस्से में वो सीड्स बोके आए थे और अब उनके काम का ये आखिरी चरण था और उनके पास इसके लिए 10 दिन बचे थे। तीनों 3 अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं और अपना काम शुरू कर लेते हैं और 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद तय किए अनुसार रोहित और जेनिफर टाइम मशीन के पास मिलते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्रिश्चियन नहीं पहुंचा था। बहुत देर हो जाती है लेकिन अभी भी क्रिश्चियन का कोई अता पता नहीं है। रोहित ने क्रिश्चियन के GPS को ट्रैक करने की बहुत कोशिश की, उसके लोकेशन का पता भी लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। अब जाने का वक्त बहुत ही नजदीक था। जेनिफर ने कहा कि रोहित हमें अब वापस जाना चाहिए क्योंकि वापस जाने में हमारा टाइम हो रहा है और अगर टाइमिंग में गड़बड़ हो गई तो कुछ भी हो सकता है। रोहित बोला, प्लीज जेनिफर थोड़ी और वेट कर लेते हैं। उन्होंने 2 घंटे और वेट की लेकिन क्रिश्चियन का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। जेनिफर ने कहा, रोहित अब हमें चलना चाहिए, शायद हम में से कोई खो गया हो और क्रिश्चियन आज यहाँ होता तो वो भी यही करता जो हम अब करने जा रहे हैं। रोहित और जेनिफर उदास मन से मशीन में एंटर हुए। उन्होंने वापस वर्तमान में आने का टाइम सेट किया। टाइमिंग शुरू हुआ 10, 9, 8, 7, 6 और तभी अचानक उनके कांच के आगे कोई थपाक से धब्बा लगाया। रोहित ने अचानक टाइमिंग रोक दी और कांच खोला तो वहां पर क्रिश्चियन था। रोहित और जेनिफर बहुत ही खुश थे। क्रिश्चियन बहुत ही थका हारा लग रहा था। उन्होंने क्रिश्चियन को टाइम मशीन में खींच लिया और टाइम मशीन फिर से शुरू की और कुछ ही देर बाद वो वर्तमान में आ गए। वर्तमान में मिस्टर बिल और उनकी टीम उनके स्वागत के लिए बाहर ही खड़े थे। क्रिश्चियन की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे कुछ बॉटल्स चढ़ाए गए और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। रोहित, मिस्टर बिल, जेनिफर और पूरी टीम ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर क्रिश्चियन के साथ हुआ क्या था। तब क्रिश्चियन ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब मैं अपने सारे सीड्स बॉल दफना के वापस आ रहा था तभी वहां पर अचानक एक बिच्छू मुझे दिखा। वो बिच्छू मेरी ओर बढ़ा और मुझे डस लिया और अचानक गायब हो गया। मैं बेहोश हो गया और पता नहीं कुछ दिनों बाद मुझे होश आया। और सर, जब मुझे होश आया तो मैं बहुत ही विचित्र घटना देख रहा हूँ। वहां पर बहुत सारे बिच्छू थे और मेरे डाले हुए बॉल्स खुदर खुदर के वापस निकाल रहे थे और सारे बॉल्स जो मैंने बोए थे वो अब जमीन से बाहर आ गए थे। मैं अपनी जान बचा के जैसे तैसे वहां से भागा। मेरा GPS भी खो चुका था इसलिए मुझे ये भी पता नहीं था कि हमारा लोकेशन कहाँ है, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह लोकेशन तक पहुंच गया। फिर रोहित ने और जेनिफर ने मुझे टाइम मशीन के अंदर खींच लिया और आज मैं आपके सामने हूँ। सर, कुछ देर तो वहां पर मुझे लगा कि मैं उसी समय में फंस के रह जाऊंगा, ऐसा कहते कहते क्रिश्चियन रोने लगा। फिर कुछ देर बाद शांत होकर उसने पूछा कि क्या वर्तमान में कोई फर्क पड़ा है, क्या हमारा मिशन सफल हुआ है। तब मिस्टर बिल बोले कि दोस्तों जी नहीं, यहाँ पर वर्तमान में कुछ भी फर्क महसूस नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जो सीड्स आपने अमेज़न के जंगलों में बोए थे वो सारे कीटकों ने बाहर निकाल दिए होंगे और पक्षी और जीव जंतु उस सीड्स को खा गए होंगे और सहरा के और थर के रन में ठीक वैसा ही हुआ होगा जैसा क्रिश्चियन ने हमें बताया। सीड्स के बॉल बाहर निकल गए होंगे और बेहद ही धूप के कारण वो नष्ट हो गए होंगे। तो इसका मतलब हमारा मिशन असफल हुआ, रोहित ने पूछा। मिस्टर बिल बोले, जी नहीं दोस्तों, आपके इस मिशन के द्वारा ही हमें ये पता लगा है कि हम किसी भी तरीके से भूतकाल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम भूतकाल को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए अब भविष्य का सामना करने के लिए हमें वर्तमान को ही बदलना होगा। हमें वर्तमान में ही कुछ ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिससे हमारा भविष्य बदल सके और मैं राष्ट्रपति जी से ये गुजारिश करूंगा कि आप तीनों को अवार्ड दे और आप तीनों को नासा में परमानेंट जॉब के लिए मैं रखता हूँ। तो ऐसे ही साइंस फिक्शन और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।